तो गाइस देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रक का टायर का पंचर और किस तरीके से इसको खोला जाता है ये देख सकते हैं आप। अरे फोन मत फोड़ देना यार। काफी मेहनत की जाती है, काफी मेहनत लगती है इसको खोलने में, तो आप देख सकते हैं ये डबल कड़े वाला है क्या। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना पड़ता है ताकि हमको पता चले कि इसकी ट्यूब में जो पंचर है वो कहाँ पे को है। और इसके बाद इसकी वॉल बॉडी को अंदर डाला जाता है, यहाँ से रिम को थोड़ा सा उठा के इस तरीके से देखिए, ये देखिए ये और ये बड़े आराम से बाहर को आ चुका है। वैसे दबा हुआ था ना, नहीं तो फट जाती इसको खोलने में। और लंगोट डाली जाती है इसमें एक, इसके बाद ट्यूब। अरे ये चूना पोती कहाँ से लाए हैं इसमें? पाउडर आता है सर। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे है पंचर इसका है और बहुत तेजी से हवा निकल रही है इसकी। किसका लगा कट ये? मेरी गाड़ी। कमल भाई कुछ बताएंगे फिर कि ये पंचर किस तरीके से हुआ है? अरे बताओ सही, क्या होता है कि टायर पंचर में ही चलाने में ये रिम से कट जाता है और बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है इसकी। अब इसमें हम डालेंगे नया टायर, ये वाला इसमें फिट करेंगे, बाकी इसको बनाते हैं। तो गाइस ये देखिए, इस तरीके से इसको रेगमाल से घिसा जाता है बढ़िया करके, ताकि इसमें जो इसका पंचर है वो बहुत आसानी से चिपक जाए। है कमल भाई, इसीलिए लगाया जाता है क्या रेगमाल? ये देखिए ट्यूब वाली जो आती है पंचर की, इस तरीके की आती है और उसको हमको कटिंग करके बनाना पड़ता है। अगर जैसे कि कहीं पे बड़ा, ज़्यादा बड़ा पंचर हो और छोटी छोटी टिकलियाँ भी आती हैं इसके अलग से, तो इस तरीके से इसको बना के फिर इसमें ग्लू लगाया जाएगा और इसको चिपका दिया जाएगा। सेल्फी स्टार्ट लगे पहले वो। तो गाइस ये देखिए, इस तरीके से इसमें ओमनी का ट्यूब आता है और इसको इसमें लगाया जाता है। बोला फटक से बस ये पंचर चिपका देते हैं फिर इसको। तो गाइस ये देखिए, हमने इसका पंचर बना दिया है, इसमें चिपक गया है बढ़िया तरीके से और अब इसको फिट करते हैं। तो कमल भाई कीजिए, इसको फिट कीजिए फटक से, किस तरीके से करते हैं आप? तो गाइस ये देखिए, इसमें बड़े आराम से ट्यूब को अंदर डालना होता है, पहले पूरी ट्यूब है जिसको बराबर अंदर टायर के हिसाब से इसको बिठा लेना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर बैठ चुकी है अच्छी तरीके से। और इसके बाद ये लंगोट होती है इसकी, ताकि क्या होगी जो इसमें रिम में से इसमें कट वगैरह ना लग पाए ट्यूब में, तो इसको इसमें लगाया जाता है। जो भी मतलब जितने बड़े कड़े वाले टायर होते हैं, अभी बहुत बड़े वाले प्रेशर वाले लोड वाली गाड़ियाँ होती हैं, उसमें इसी तरीके से पंचर बनाया जाता है। तो गाइस ये देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से बड़े प्यार से कमल भाई ने हमारे बैठा दिया इसको और बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो चुका है। अब इसके बाद इसकी रिम में इसको डाला जाएगा। तो गाइस देखिए, अकेले लगते हैं भाई जो हमारे बंदे हैं, काम वाले, हमारे दोस्त भी बोल सकते हैं आप,
और अकेले फिट करते हैं पूरा इस तरीके से। गाइस इतनी मेहनत लगती है काम करने में और वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए इस तरीके से वॉल बॉडी बैठ चुकी है उधर और यहाँ से अच्छी से बाहर को आ चुकी है। अब इसमें कड़ा लगाया जाएगा। देखिए इसकी जो वॉल बॉडी है इसको बीच फिक्स सेंटर पर करना पड़ता है और इसके बाद इसमें बड़ा वाला कड़ा बैठाया जाता है, इसके बाद छोटा वाला कड़ा बैठाया जाता है। तो गाइस ये होने को आसान तो नहीं होता, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको बहुत ज़्यादा, तब जाके इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो नया आदमी हो तो इसको भाई टायर को हिला भी नहीं सकता, इतना भारी होता है। खुली खुली तो गाइस कई बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं टायर फटते हुए दिखाया जाता है ले भैया उड़ गए भाई। तो इसमें हम किस तरीके से हवा भरते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको लगाना पड़ता है ताकि जो इसका कड़ा है इधर उधर साइड से हिले ना बिल्कुल भी, और बड़े आराम से इसमें हवा भरी जाती है। तो कमल भाई इसमें कितनी पाउंड हवा आती है? 70 पाउंड। एक 70 का हो गया, 100 पाउंड हो गया। मजाक मत करो यार, ये सही में 170 भरती है, घंटा भरती है। मैंने तो आज से नहीं देखा यार। क्या 170 पाउंड हवा? हाँ 180 भरते हैं। अरे पप्पूदा हवा कितनी भरते हैं इसमें ट्रक के टायर में? अभी तो भरते हैं। 180 भरोगे तभी 180 लाएगा वो। हेलो बहुत बढ़िया है। अब मेरे को नेट पर सर्च करना पड़ेगा। तो पहाड़ नहीं है। तो गाइज ये देखिए टायर का नंबर है 8.25R20 और इसमें लिखा हुआ है 137/135 kg 16 प्ले रेटिंग 125 प्रेशर इंडेक्स। कंपनी ने 125 दिया हुआ है, बाकी अभी देखते हैं कमल भाई कितना भरते हैं यहाँ पर हमारे। देखा कमल भाई हम देख लिए हैं साला, टायर में लिखा हुआ है 200 250 होगा। तो गाइस ये देखिए ये टायर हमने रिम में से खोल दिया है और इसकी ट्यूब की हालत भी आप देख सकते हैं, सेम टू सेम टायर से बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। और ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया कि पंचर में ही चला देने, बिना हवा के चलाने में ऐसा हो जाता है। अब क्या होता है कभी कभी इमरजेंसी होती है आदमी को, कहीं पर टायर पंचर की दुकान ना हो या स्टेपनी ना हो तो इस ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो इतना ही है, ये तो सही करवा लो।